प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। वो सफेद लुंगी पहन करके सामने से आ रहा था, तो उसने अंदर चड्डी नहीं पहनी हुई थी और वो धूप से चला आ रहा था, तो मतलब अच्छी बात है ना, हवा वो लग रही थी आपको पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता ही है। आप सीए पर छाती पीटते हैं, लेकिन आप अफगानियों को 40 साल से आपने सिटीजन नहीं दे करके रखा है। आप अमेरिका से उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए ना जाने कितने अरबों और मिलियन रुपया ले लिए, लेकिन पकड़वाए नहीं। वो फिर बाद में अमेरिका को खुद ही पकड़ना पड़ा। आप तो झांसा दे करके पैसा हमें तो पता ही नहीं था ना उसामा बिन लादेन हमारे पास है, हमें तो नहीं पता था। ये सब कुछ मेरे सामने नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे पास सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं। एक बंदा तस्वीर बन के शुभ करेगा ना, अगले दिन वो आपका मरीज आपको घी भी देगा, भैंस भी देगा, बेटी भी देगा, घर भी देगा, कलीजे भी देगी। ये शुभ शुभ हमें भी सिखा दो। हम सिर्फ मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि तुम लुंगी के अंदर चड्डी पहनो। हम मुसलमानों को ये नहीं कह रहे हैं कि तुम नमाज मत पढ़ने जाओ। हम मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि तुम जरूर नमाज पढ़ने के लिए जाओ, लेकिन रेडिकल मत हो जाओ। हम ये मुसलमानों को ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कुरान मत पढ़ो। बिल्कुल पढ़ो, अरे तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा। बिल्कुल कुरान पढ़ो, लेकिन तुम जिहाद के नाम पर गला मत रेतो। हम मुसलमानों को ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि तुम टोपी मत पहनो, तुम जरूर टोपी पहनो। बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करेंगे। भारत के अंदर इलेक्शन का दौर है और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है इस वक्त इलेक्शन को विन करने के मूड में नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, करंट गवर्नमेंट की बात करें, तो कोर्ट की तरफ से, भारत की कोर्ट की तरफ से ऐलान ये किया गया है कि बहुत सी बड़ी बड़ी स्टेट्स के अंदर मदरसा को बैन कर दिया जाएगा। और ये जो इंडिया का डिसीजन है, इलेक्शन से बहुत बहुत करीब करके उन्होंने जो है ये डिसीजन लिया है। एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मदरसा को बैन करना, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि मदरसा के अंदर इस्लामिक एजुकेशन है। कुछ लोगों का ये, कुछ मुसलमानों का माइंडसेट ये है कि दुनिया की तालीम से बेहतर जो है इस्लामिक तालीम है और हम अपने बच्चों को मदरसा भेजेंगे। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, जैसे कि बहुत सी कंट्रीज, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा एक बात डिस्कस की जाती है कि भारत के जो मुसलमान है उसके पास आजादी नहीं है। और अब ये जो डिसीजन आया कोर्ट की जानिब से कि हम मदरसा बैन करेंगे, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्लाम को बैन करेंगे, इस टॉपिक पर हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए नाजिया लाई खान मौजूद है। और मैंने इनको आज शो पे इसलिए भी इनवाइट किया क्योंकि इस टॉपिक पर इनसे बेस्ट स्पीकर पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बाहर मुसलमान भी हैं, सनातन धर्म को फॉलो भी करती हैं, वकील भी हैं, और इसके साथ साथ बेशुमार जो है मुसलमानों के केसेस को डील भी कर चुकी हैं। तो मैम थैंक यू सो मच मेरे शो को ज्वाइन करने के लिए। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातुहू। थैंक यू मैम। ये जो फैसला आया है, जैसे मैंने इंट्रो भी किया कि भारत के अंदर अब बड़ी बड़ी स्टेट्स में जो है मदरसा को बैन किया जाएगा। अब इसमें जो ज्यादातर हाईलाइट हो रहा है वो उत्तर प्रदेश हो रहा है, क्योंकि वहां से योगी आदित्यनाथ डील करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। जो फिगर इस वक्त मेरे सामने आ रहा है, वहां पर जी अगर बात करें, टोटल 16,513 जो है मदरसे हैं, जिसमें 560 को गवर्नमेंट फंडिंग करती है और 8,400 जो है अनरिकॉग्नाइज मदरसा है। अब ये इतना बड़ा जो चेंज है एकदम इलेक्शन से पहले, इसके ऊपर आपकी राय जानेंगे कि ये कैसा फैसला है और ये क्यों लिया गया? देश की तरक्की का फैसला है शैला। अच्छा, इलाहाबाद, पहले मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मदरसा एक्ट, बिकॉज माय कंट्री इज नॉट एन इस्लामिक कंट्री ना, माय कंट्री इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री। आपका जो देश है वो इस्लामिक देश है, मेरा देश जो है, मेरा देश इस्लामिक नहीं है, मेरा देश संविधानिक देश है। ठीक है, आपके देश में अगर मदरसा बंद करवाया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है,
कि भाई इस्लामिक देश में मदरसा कैसे बंद हो जाएगा, पर हमारे संवैधानिक देश में अगर मदरसा है और मदरसा एक्ट है तो वो क्यों है, उसके तो रहने की कोई वजह ही नहीं है ना। तो 2004 से ही ये मदरसा एजुकेशन एक्ट यूपी बोर्ड, यूपी में चल रहा था, यूपी बोर्ड के उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 से चल रहा था, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया है, किसी एक स्पेसिफिक सियासतदान ने नहीं दिया है या योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं दिया है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। और हमारे यहाँ हमारे भारत में कोर्ट एक अलग बॉडी है, ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये सारी चीजें एक अलग अलग बॉडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक अलग बॉडी है, ये कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मर्डर कर रहा है तो वो पुलिस काम करेगी, कोई व्यक्ति जनता का पैसा मार कर बैठा है तो वो ईडी काम करेगी, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति ने कुछ बुरा किया है तो स्कैम किया है, कोई घपला किया है, फ्रॉड किया है, तो वो सीबीआई काम करेगा। तो हर एक का अपना अलग अलग इंडिविजुअल वर्क है जो अपना अपना कर रहे हैं, इसमें इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी ने बंद करवा दिया। नहीं नहीं उन्होंने नहीं बंद करवाया है, कई जमाने से ये केस चल रहा था और इस केस का रिपार्केशन जो है, इस केस का जजमेंट जो है वो अब आया। अब इसी पर आप देखिए ना, अब क्या भारत को दोबारा बुरहान चाहिए? नहीं चाहिए। भारत को दोबारा अफजल गुरु चाहिए? नहीं चाहिए। भारत को पार्लियामेंट पे अटैक करने वाला मुसलमान तो नहीं चाहिए। अब भारत को याकूब मेमन चाहिए क्या दोबारा? नहीं चाहिए। अब भारत को मतलब ऐसे लोग चाहिए जो रेडिकलाइज हो? नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए भाई, हम सुकून से रहना चाहते हैं। आपको मैं आपको याद दिलाती चलूं कि जब 2019 में जब आर्टिकल 370 हटने वाला था तो उसको हटाने से पहले उन सारे रेडिकलाइज मुसलमान धर्म गुरुओं को अरेस्ट करना पड़ा था, जो बच्चों के हाथ में पैसे का एनवेलप दे करके पत्थर देते थे, जो बच्चों को पत्थरबाज बनाते थे, जो बच्चों से बम फेंकवाते थे, जो बच्चों से आतंक मचवाते थे। आज देखिए वही कश्मीर, उन्हीं बच्चों के हाथ में तिरंगा झंडा पाया जाता है, आज भी तो वही कश्मीर है। शैला, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पॉलिटिकल पर्सन। I am a mother. I am a woman. I am a well-qualified, educated woman. I am such a very renowned and vocal voice in entire world. पूरी दुनिया मुझे सुनती है, पूरी दुनिया मुझे सुनना पसंद करती है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी तो माँ है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मुसलमान भारत का खड़ा होकर के ये कह रहा है कि मदरसा रहना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हर वो मुसलमान माँ बाप फेलियर हो रहे हैं जो मदरसे का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं एक मुसलमान औरत होने के नाते क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं अपने बच्चे को दीनी तालीम खुद दूं, अपने घर में दूं? क्या मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, ये मैं खुद बताऊं अपने बच्चे को? अगर अल कुरान की तालीम मैं अपने बच्चे को घर में नहीं दे पाई तो फिर क्या फायदा है? देखिए, देश तरक्की करना चाहता है, देश का विजन और फोकस है कि सारे लोग शिक्षित हो जाएं, और जब शिक्षित हो जाते हैं तो उनके पास नौकरी की कमी नहीं होती है, बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। अब आप सोचो, आपके पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, ऐसे रमजान में महंगाई बढ़ गई है और इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब आदमी तो जिंदा नहीं रह पा रहा है। एक खजूर और पानी पर भी मतलब अफतार कर रहे हैं वो, एक खजूर और पानी पर। काफी लोगों से पता चलता रहता है, काफी न्यूज में पता चलता रहता है कि महंगाई, इन्फ्लेशन जो है वो आपके पाकिस्तान में, आपके देश में आसमान को छू रही है, आग लग चुका है बाजार में। हम मुट्ठियों में अगर लेकर जाते हैं पैसा तो हम बक्से में लेकर आते हैं फल, और आप बक्से में फल पैसा लेकर जा रहे हैं और मुट्ठियों में फल लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल फैक्ट है ना दर्जी जी। यहाँ पे एक बात है, आपने कहा कि भारत एक सेकुलर कंट्री है और मदरसा नहीं चलेगा, तो फिर यहाँ पर सवाल तो ये भी पैदा होता है ना कि भारत के अंदर गुरुकुल स्कूल भी हैं जो स्पेसिफिकली सनातन धर्म की एजुकेशन देते हैं, भारत के अंदर जो है मॉडर्न स्कूल भी हैं, तो मदरसा अगर नहीं चलेगा तो फिर गुरुकुल के बारे में भी कोई कानून आएगा कि गुरुकुल भी नहीं चलेंगे? नहीं, गुरुकुल में ऐसा है कि अकेडमिक क्वालिफिकेशन दिलाई जाती है। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं शैला कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच के द्वारा कहा था कि जितने भी मुसलमान है वो अपने एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो। हम ये कभी नहीं कह रहे हैं, हम मुसलमानों को ये नहीं कह रहे हैं कि तुम लुंगी मत पहनो, हम सिर्फ मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि तुम लुंगी के अंदर चड्डी पहनो।
हम मुसलमानों को ये नहीं कह रहे हैं कि तुम नमाज मत पढ़ने जाओ, हम मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि तुम जरूर नमाज पढ़ने के लिए जाओ लेकिन रेडिकल मत हो जाओ। हम ये मुसलमानों को ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कुरान मत पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, अरे तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा, बिल्कुल कुरान पढ़ो लेकिन तुम जिहाद के नाम पर गला मत रेतो। हम मुसलमानों को ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि तुम टोपी मत पहनो, तुम जरूर टोपी पहनो पर टोपी पहनाओ मत। हम मुसलमानों को जरूर ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि तुम बच्चे ज्यादा मत पैदा करो, बच्चे जरूर पैदा करो, अरे अरे अगर हिम्मत है तुम्हारी बीवी में तो तुम 50 बच्चे पैदा करो, लेकिन उन बच्चों को पैदा करके होगा क्या जो पंचर की दुकान में काम करेंगे, जिनकी जिनकी सेहत तुम अच्छी नहीं रख सकते हो, जिनको तुम शिक्षित नहीं कर सकते हो, तुम जिसको जिसका मुस्तकबिल और फ्यूचर नहीं बना सकते हो, तुम जिसको पढ़ा लिखा करके एक बड़े ओहदे पर नहीं बैठा सकते हो, तो ऐसे 50 बच्चे पैदा करके तुमको क्या करना है? तुमको तुमको औरंगजेब की तरह जंगे तो नहीं लड़नी है, तुमको बाबर की तरह किसी को। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाज़िया खान जी ने बात की जो हमारे देश में धीरे धीरे करके अब सरकार फैसला ले रही है कि मदरसों को बैन कर दिया जाएगा, उनकी जगह स्कूल बनवा दिए जाएंगे, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? और एक बात मुझे नाज़िया खान जी की बहुत अच्छी लगी कि ये देश संविधान से कानून से चलेगा, ना कि शरिया या फिर इस्लामिक लॉ से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।